दोस्तों, क्या आप चाय पीते हैं? और यदि आप चाय पीते होंगे तो आपने कई लोगों के मुंह से ये सुना भी होगा कि चाय पीने से कई बड़े नुकसान होते हैं, आपके पेट में एसिडिटी होती है, कब्ज भी हो सकता है और तरह तरह के नुकसान के बारे में लोग बातें करते हैं। पर जिस तरह हर चीज़ के प्रोज होते हैं, उस तरह से कॉन्स भी होते हैं, मतलब किसी चीज़ की अच्छाई होती है तो बुराई भी होती हैं, वैसे चाय पीने के कुछ बड़े फ़ायदे भी हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं arbutindia.com की रिपोर्ट। दोस्तों, यदि हम चाय पीने के सबसे बड़े और पहले फ़ायदे की बात करें तो एक्स्ट्रा फैट को कम करता है। अगर आप अपने एक्स्ट्रा फैट यानी अतिरिक्त बढ़े हुए शरीर के वसा को कम करना चाहते हैं तो दिन में एक चाय का सेवन अवश्य करें। लेकिन चाय का प्रभाव तभी अच्छी तरीके से मिलेगा जब आप उसका एक सीमित मात्रा में सेवन करेंगे। अधिक मात्रा में यदि आप चाय का सेवन करते हैं तो इसके लिए फायदेमंद। कैंसर से बचाती है चाय। नियमित रूप से चाय पीने से कैंसर का खतरा कम होता है क्योंकि चाय पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट नामक तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में सहायता प्रदान करते हैं। वहीं सिरदर्द और जुकाम में दिलाता है राहत। अगर आप सर्दी, जुकाम, खांसी से परेशान हैं तो नियमित रूप से चाय का सेवन अवश्य करें। चाय पीने से आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ गर्मियों में आप यदि चाय को इलायची डालकर बनाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और सर्दियों में अदरक डालकर बनाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो यहाँ पर अदरक और इलायची वाली चाय अपने प्रभाव से दोगुना असर दिखाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं आगे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।